के सैंडविच बनाएंगे जो दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही यमी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्लोरल सैंडविच। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति क्लासी किचन। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड करूँगी। इसमें मैंने 2 स्पून ऑयल ऐड किया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी। हम इसको तब तक सॉटे करेंगे जब तक ये लाइट पिंक ना हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये प्याज पिंक हो गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसमें बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई गोभी, बारीक कटी शिमला मिर्च, ये मैंने मटर बॉईल कर लिए थे, इसको मैश कर लिया, और बारीक कटा हुआ पनीर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी को मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हमारी ये फिलिंग रेडी होती है, हम अपनी ब्रेड को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये फ्लावर शेप में कुकी कटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी कटोरी के साथ कट कर सकते हैं। तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं बाकी के सभी स्लाइसेस भी कट कर लूँगी। देखिए, मैंने बाकी के भी सारे पीस इसी तरह कट कर लिए हैं। चलिए हम देखते हैं हमारी स्टफिंग रेडी हुई कि नहीं। फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए हम चेक करते हैं। देखिए, हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, मैंने एक अलग कटोरी में दूध लिया है जिसमें मैंने हल्दी ऐड की है कलर देने के लिए। अब मैं एक एक करके ब्रेड को इसमें डिप करूँगी और हल्के हाथों से स्क्वीज करूँगी। अब हम अपनी रेडी स्टफिंग को इसमें फिल करेंगे। और ऊपर से इसको हम ऐसे कवर कर देंगे। ऐसे ही हम अपने सभी स्लाइसेस को डिप करके रेडी कर लेंगे। ऐसे ही मैं अपने सभी स्लाइसेस को तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए मेरे सभी सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे सेकेंगे। मैंने एक अलग पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी
अपने सैंडविचेस को इसमें सेकूंगी। हमें लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे सारे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं, मैं इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन बाय बाय।